नमस्कार, हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तेवन गार्डनिंग टिप्स एंड केयर में। ये नेस्ट्रेटियम है जो मैंने दिसंबर में सीड से ग्रो किया था। धीरे 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 ये इतना बड़ा हो गया, आज इसमें फूल भी निकल आए हैं। और काफ़ी स्लो ग्रोथ हुई, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ा, क्योंकि इसे मैंने बहुत लेट से रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा खाद या फिर कुछ एक्स्ट्रा केयर मैंने इस पर नहीं किया। मेरे एग्ज़ाम्स थे तो मैं बहुत बिज़ी हो गया था, और इसे मैंने पेंट की एक बाल्टी में ऐसे ही लगा दिया था। अब इसमें नीचे ड्रेनेज होल भी नहीं बना है, लेकिन तब भी ये बहुत अच्छा ग्रो कर लिया। और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पौधे जो इसके साथ ही लगाए गए थे, लेकिन मैंने इन्हें रिपोर्ट और लेट से किया। ये उतने बड़े तो नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें भी फूल आ रहा है। फूल इसमें भी ऑरेंज कलर का आ रहा है, और इसमें भी फूल खिल जाएंगे दो चार दिन में, लेकिन किस कलर के ये नहीं पता, क्योंकि ये मिक्स वेराइटी थे सीड्स जो मैंने लिए थे। किस कलर के फूल निकल रहे हैं ये तो पता नहीं चलेगा। और इसके साथ भी कई सारे पौधे लगे हुए हैं, जैसे ये पोटेलिकेरिया एफ्रा, या फिर मिनी जेड, या फिर एलिफेंट बुश जिसे कहते हैं। और इसके साथ जो लगे हुए थे, जो अभी भी बहुत छोटा है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो ग्रो नहीं हुआ उसका एक ही कारण था कि मैंने उसे सीलिंग ट्रे से हटाया कल ही। जैसे ये है, इसे मैंने कल रिपोर्ट किया है। इसकी साइज़ और इसकी साइज़ में अंतर आप लोग देख सकते हैं। देखिए रिपोर्ट करने का कितना फ़ायदा होता है। इसे मैंने बहुत जल्दी रिपोर्ट कर दिया था, उसके बाद मैं एग्ज़ाम्स में बिज़ी हो गया था तो मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया। ये अभी कल मैंने इसे सीडलिंग ट्रे से निकाला। अभी भी देखिए कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे वो केल लगा हुआ है और गुलदाउदी लगा हुआ है, जिसमें कोई ग्रोथ हुई ही नहीं। और उसके साथ ही ये केल था जिसे मैंने रिपोर्ट कर दिया था, ये इतना बड़ा हो गया। तो रिपोर्ट करने से ग्रोथ जो है बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। अब इसे मैं पानी डालने जा रहा हूँ, तो ये जो है ठंड का फूल है, आप बहुत इजीली इसे ग्रो कर सकते हैं। आप सभी इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, बहुत सुंदर लगता है। अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा। और इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी सी होती हैं, और सुबह सुबह के टाइम कभी बारिश हुई हो या फिर ओस की बूंदे इस पर गिरे तो ये पत्तियाँ एकदम कमल की पत्तियों जैसी दिखती हैं। वैसे तो ये बहुत छोटी हैं, लेकिन इसमें जब ओस की बूंदे गिरी रहती हैं तो ये वैसी दिखाई देती हैं। देखिए इसमें बूंदे रुकती नहीं है, मैंने बूंदे डाल के आपको दिखाया, अगर आप देख पाए हो तो। और इसके साथ ही कई सारे पौधे लगे थे जो अभी छोटे के छोटे ही रह गए हैं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स में बिज़ी हो गया था, मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया। गजेनिया हो गया, और हॉलीहॉक हो गया, बहुत सारे पौधे थे। आप सब भी इसे अपने गार्डन में लगाएं, गार्डन की शोभा बढ़ाएं, और हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ लाइक भी करें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और ये वीडियो तो बहुत दिन बाद आई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था एग्ज़ाम्स के कारण। थैंक यू सो मच।